आई होप आप सब अच्छे हो गए, मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ मैं जा रही हूँ जौनपुर डॉक्टर को दिखाने, संडे है। यहाँ मम्मी जी मेरी जा रही हैं मार्केट, तो दोनों लोग साथ में निकले हैं। दादी घर पे अकेली हैं, चाय पानी करवा दिया गया है। तो यही है हाल चाल कुछ, तो चलिए फटाफट चलते हैं, दिखा के आते हैं। प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने बोला था दिखा लो, तो ज़रूरी है दिखाते रहना। संडे को दिखा को बोले थे, आज संडे है। निकल रही हूँ, मैंने डाल रखा है ये सिंपल सा काटन का सूट, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है। शाम के आते टाइम हो सकता है थोड़ा ठंड लगे, ठीक है, लेकिन देखते हैं क्रॉसिंग पड़ता है कि नहीं। क्रॉसिंग ही बहुत ज़्यादा लेट करवा देता है, वैसे नंबर तो मेरा 6 बजे के बाद है, देखते हैं क्या होता है। आज दीपावली है छोटी, तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा होगा, तो देखते हैं। मम्मी जा रहा चला था झूला, झूला टांग के बिटिया चला था बैग टांग के, तब बिटिया जाती है शहर, तू जातू बाजारे, तू जातू सब्जी लिया, हम जाते डॉक्टर के दिखाओ। आलू ना ही आलू चलो भैया मिलते हैं आपको कुछ देर बाद। इस टाइम ना गांव का माहौल कुछ इस तरीके से बना हुआ है, देखिए सारे खेत जूते पड़े हैं। अब सरसों या गेहूं बोया जाएगा, ठंड में तो यही बोया जाता है हमारे यहाँ, तो बोया जाएगा। और आप चाहें तो मैं जिस हॉस्पिटल या क्लिनिक है, वैसे अभी इन्होंने छोटा सा क्लिनिक खोल रखा है, तो आप चाहें तो वहाँ दिखा सकते हैं। काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं लीवर के, अगर आपको लीवर की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप दिखा सकते हैं, क्योंकि मैंने इनकी दवा बहुत दवा कम देते हैं और बहुत ही जल्दी कंट्रोल कर लेते हैं। तो आप चाहें तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, दीर्घायु क्लिनिक है और नई गंज में ये बैठते हैं। वैसे तो मैंने इनको गूगल पे सर्च किया था कि बेस्ट लीवर डॉक्टर, तो ये निकल के आए थे और इनकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी थी। और पर्सनली मैं दवा करवा रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि ये काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, तो आप जा सकते हो। और सैटरडे संडे ये बैठते हैं, वहाँ पर नंबर मिल जाएगा, आप ना बुक कर सकते हो, अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो यही है, और यहाँ पर आते आते मुझे रात हो गई थी, आप देख सकते हो। तो मैंने कहा चलो भाई, अब वहाँ पे ना उतरने के बाद शिवाला के सामने से काफ़ी अंधेरा होता है, लेकिन विशू वेरी हैप्पी दिवाली आप लोगों को, मेरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी दिवाली। भगवान करे ये दिवाली की जो दिए की रोशनी है आपकी लाइफ में भी जले, और जो भी अंधेरा है वो दूर हो जाए और आपकी लाइफ में उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करती हूँ मैं आप लोगों के लिए। और साथ ही दीपावली है, और कल मैं गई थी डॉक्टर को दिखाई, मैं आई कोई वीडियो शूट नहीं की, और आपको थोड़ा सा मेरे चेहरे से लग रहा होगा कि मेरी तबीयत सही नहीं है, तो तबीयत मेरी सही नहीं है, लेकिन आज इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि है आज दीपावली और इन्जॉय करने का डे है, तो कोशिश करेंगे कि जितना हो सके इन्जॉय करें। क्या है क्या नहीं है कल मैं शेयर करूंगी आपसे, डॉक्टर से दिखाने के बाद मेरे साथ कुछ मतलब जैसे क्या है क्या नहीं, डॉक्टर ने क्या बोला, क्या मेरे लिए सही है क्या नहीं है। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा तबीयत नहीं सही है मेरा, तो मैं आपसे कल शेयर करूंगी। और मैं चाहती हूं कि आपकी दीपावली बहुत अच्छी जाए और आप इन्जॉय करो और अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाओ, इन्जॉय करो, और देखती हूँ मेरे से क्या बनता है। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सोचा था ढेर सारा करने के लिए सब कुछ, लेकिन तबीयत ही जवाब दे दी मेरी, तो देखते हैं जितना होगा उतना करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मेरी चाय आ चुकी है, थोड़ा सा पी लेते हैं और आपको मिलते हैं कुछ देर बाद। कुछ दवाइयाँ बढ़ा दी हैं मेरी, आप ये दवा देख सकते हो, कुछ दवाइयाँ मेरी बढ़ा दी हैं उन्होंने, तो एक तो मल्टीविटामिन की दवा है और कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो मुझे एक्सेप्ट नहीं है। मेरा ऑपरेशन हुआ है, सब कुछ ठीक है, तो फिर ये दवाइयाँ क्यों चल रही हैं?
तो ये दवा वैसे जहाँ ऑपरेशन हुआ है उस डॉक्टर को दिखाना मुझे ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है। मैं 2-3 डॉक्टरों से राय लेना चाहती हूँ कि ये सही है कि नहीं है। तो ऐसे कहते हैं ना कि एक डॉक्टर पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। वैसे ये दवा तो अच्छी देते हैं जो डॉक्टर हैं, जो जिसको मैं दिखा रही हूँ उससे मुझे काफ़ी फ़ायदे हैं। मेरे लूज मोशन सारे मतलब जो भी थे बंद हो गए हैं, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। लेकिन मैं एक डॉक्टर पे नहीं रुक सकती ना, और मुझे कुछ चेकअप भी करवाने हैं जो शरीर में, जैसे मेरे पेट में ये हो रहा है कि पानी बढ़ा हुआ है, तो मुझे देखना है कि पानी बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या नहीं है। तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ बढ़ी हैं मेरी, और मुझे बहुत टेंशन हो रही है, इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं जाऊँगी दिल्ली दिखाने, और क्या है क्या नहीं है सारी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूँगी। लेकिन आज दीपावली है, आज मैं आपका दिन भी नहीं ख़राब करना चाहती, क्योंकि बहुत से लोग मेरे से कनेक्ट होते हैं, मैं दुखी होती हूँ तो वो दुखी होते हैं, मैं नहीं चाहती आप लोगों को दुखी करूँ। तो अच्छे से दीपावली मनाएगी, और देखती हूँ मैं कोशिश करती हूँ चीज़ों को कंट्रोल करके तैयार रहने की। हाँ तो वही है चीज़ें, तो यही है। और ये देखिए मेरी मम्मी इतना छोटा सा डिब्बा लाई है, इनको पता नहीं क्या छोटे छोटे चीज़ों में बड़ा खुशी मिलता है। तो ये छोटा सा डोलू लेके आई है, इसमें क्या रखा जाएगा मुझे समझ में नहीं आया। तो उनको ये धनतेरस पे कह रही थी कि, वैसे तो मैंने मंगाया था कुछ तो, लेकिन मम्मी को ये चाहिए था, मम्मी चाहिए था क्या वो, हमको लगा रहा है कि वो गई थी शॉप पे, अच्छा लगा होगा ले ली होंगी। तो ये डोलू है, ये खोल के पानी वानी रखने के, कितना ही पानी रखो कुछ लायक नहीं है, लेकिन मम्मी आदत है मम्मी की, तो वही लेके आई कि दिखा दो। क्या है यार, क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है लाइफ में। फिलहाल कुछ नहीं, चलो आप लोग एंजॉय करो, और क्या है प्रॉब्लम क्या नहीं है कल शेयर करेंगे, जो डॉक्टर से बात हुई क्या नहीं है शेयर सब करूँगी, लेकिन कल करूँगी अभी नहीं। आज आप लोग की दीपावली है, आप लोग अच्छे से मनाइए, एंजॉय करिए, और मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं भी ना इन चीज़ों को भूल के एंजॉय कर सकूँ। इरिटेट हो रही हूँ, मैं दवा भी नहीं देखी कि कौन सी दवा कब का खाने को दिए हैं। अभी मैं बैठी हूँ नाश्ता करके, तो मैंने कहा देख लेती हूँ, तो मैंने देखा तो एक रात की दवा है, एक दोपहर की। जानते हो मतलब जब ये सब चीज़ें होती है ना, मतलब ऐसे हो जाता है चीज़ें, जब प्रॉब्लम मेरी बढ़ती जाती है ना, तो बस एक ही ख्याल मन में आता है कि मैंने क्यों शादी की। इतनी अच्छी खासी ज़िंदगी मेरी थी, कोई रोग दुख नहीं, एक रुपया भी नहीं मेरी दवाई के पीछे जाता था, मैं इतनी अच्छी खासी थी। बस यही होता है कि क्यों क्यों मैंने शादी की, मैंने अपनी हालत ऐसे क्यों कर ली, मुझे पता होता तो मैं कभी भी शादी नहीं करती। और यार मतलब एक्चुअली मैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम सारी चीज़ें हुई वो आराम से बैठा है, परेशान मैं हो रही हूँ, दौड़ रही हूँ, धूप रही हूँ, पैसे रुपए लग रहे हैं, वो तो आराम से सोई हैं, आराम से बैठी हुई हैं, और पैसे रुपए कुछ नहीं लगने को, वो तो सोच रही होंगी कि अच्छा हुआ सही टाइम पे छोड़ दिया ना। लेकिन यार जो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम मेरी मेरे बॉडी में है तो मुझे झेलनी पड़ रही है। एक सहारा मिलता है ना, कोई सहारा रहता है तो बहुत सपोर्ट रहता है तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, लेकिन इसको ऑप्शन भी नहीं है। कल तो मेरा जैसे ऐसे हुआ ना कि मेरे से नहीं झेला जाएगा यार, मैं कुछ कर लूँ, मेरे को मैं हार गई हूँ यार, मेरे को नहीं सहा जाता। दीपावली के दिन ऐसे कितनी खराब दीपावली मेरी जाएगी मैंने सोचा नहीं था। कितना हिम्मत इकट्ठा करो यार, कितना करो, मेरे से नहीं होता, इतनी छोटी सी जान यार, इतना परेशान होना, अकेले झेलते रहना, अकेले सब कुछ करना, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हो, मेरी इतनी गंदी नसीब मुझे समझ में नहीं आता। बस मुझे मेरी सबसे अच्छी, मेरा सबसे अच्छा टाइम था जब मैं अपने मायके में थी, मैं जब से ससुराल से जुड़ी थी मेरी ज़िंदगी एकदम ख़राब हो, लवली के जाने के बाद एकदम ख़राब हो, और सब लोग आराम से हैं।
सच्ची में भगवान किसी के साथ ना ऐसा करे जैसा मेरे साथ कर रहा है। मैं तो झेल ले रही हूँ, पता नहीं सामने वाला कोई झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा। चलो मैं कोशिश करूँगी अच्छे से दीपावली मनाने का, साड़ी वाड़ी पहनने का। मैं बहुत कुछ सोची थी, मैंने कुछ भी नहीं किया, न हिम्मत हो रही है, घर सूना सूना जैसे लग रहा है ना। तो मन कर रहा है नींद की दवा खा के सोती रहूँ, मैं किसी से बोलूँ बात ना करूँ कुछ। लेकिन दीपावली है, मैं उदास रहूँगी, मम्मी भी उदास रहेंगी, तो बनाते हैं कुछ स्पेशल। जो भी बनाएंगे शेयर करेंगे आपसे ज़रूर। अभी तो थोड़ा सा मूड ऑफ है, तो थोड़ा कल से ऑफ है, शाम से देखते हैं क्या होता है। चलो आपको बताएंगे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, और फिर आज नहीं, क्योंकि आज दीपावली है, आज नहीं। बस यही है कि ठीक है, हैप्पी दीपावली, और आपको भी आपकी फैमिली को भी इंजॉय करिए, ढेर सारा हंसी खुशी से मनाइए, जितना दिन जी रहे हैं अच्छे से जिए। भगवान न करे आप लोग के ज़िंदगी में ना दवाइयों का सामना करना पड़े, पैसे रुपए की तकलीफ जो होती है ना बहुत ज़्यादा होती है, और दवाइयों से जो तकलीफ होती है वो भी, और प्लस जिसके घर दवाइयाँ नहीं हो रही हैं समझो वो बहुत लक्की है, कर्ज नहीं है बहुत लक्की है। क्योंकि मैं झेल रही हूँ ना तो मुझे पता है कि कितनी प्रॉब्लम होती है यार, जब ये दो तीन चीज़ें घर में हो जाए, कर्ज दवाई ये वो, ताकत नहीं है, जैसे अंदर से ना कमज़ोर हो गई हूँ, ताकत नहीं है झेलने की। अब बस ये हो रहा है कि भगवान पूछ ले जल्दी से, लेकिन जीने की इच्छा नहीं हो रही है। चलो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो। सॉरी यार आज का ब्लॉग ऐसे आ रहा है, सॉरी।